हेलो एवरी वन वेलकम टू एन पी सी योर चैनल वे यू कैन लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड बच्चा पार्टी लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे यूनिट्स एंड फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में ओके टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल डिराइव एंड सप्लीमेंट्री i hope you have cleared all these things and from now we are going to start a new topic that is analysis error analysis kya hota hai generally aap lab mein jo practical karte hain jab to instrument ke through different different measurement lete hain okay. And हर एक measurement में value आपकी fluctuate होती रहती है कुछ ना कुछ difference आता है okay? Actual value and measured value में कुछ ना कुछ difference आता है तो यही जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एरर ओके यही एरर को बर्थ देती है डिफरेंस ही एरर को बर्थ देती है सो एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू ओके एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ द एनी फिजिकल क्वांटिटी ओके फॉर एग्जांपल आपने अगर किसी रोड की लेंथ ओके okay, आपने एक रोड लिया है और इसकी लेंथ सपोज कर लिया है थ्री मीटर है ओके okay, और आपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से इसका लेंथ मेज़र किया तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मेजर्ड वैल्यूज़ आई हैं जैसे थ्री पॉइंट वन मीटर थ्री पॉइंट टू मीटर ओके थ्री पॉइंट थ्री मीटर थ्री पॉइंट फोर मीटर थ्री पॉइंट फाइव मीटर तो इस तरह से आपने वन टू थ्री फोर फाइव फाइव मेज़रमेंट्स ली एंड फाइव मेजरमेंट में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ आपके पास आई हैं ओके अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है एक्चुअल या ट्रू वैल्यू नहीं पता है तो आप उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे तो सिंपल से कॉन्सेप्ट है अगर आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है तो आपको क्या करना है जो मेजर्ड वैल्यू गिवन है आपने जो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर्ड वैल्यू ली है उन सभी का आपको एवरेज निकालना है ठीक है मीन्स क्या करना है इन सभी वैल्यूज को आपको ऐड कर देना है एंड नंबर ऑफ टाइम्स जो वैल्यू रिपीट हो रही है उससे डिवाइड इसका इसका एवरेज 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 ले लेना है ओके सो सो क्या हो जाएगा इसका? So, average हो जाएगा जाएगा सभी को आप ऐड कर दो पहले तो ओके टू थ्री पॉइंट थ्री थ्री पॉइंट फोर प्लस थ्री पॉइंट फाइव अपॉन कितना वैल्यूज है वन टू थ्री फोर फाइव सो डिवाइडेड बाई फाइव ये हो गया आपका एवरेज तो एवरेज होगा बेसिकली फाइव प्लस फोर नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन प्लस वन फिफ्टीन ओके सो फाइव एंड दिस इज फिफ्टीन प्लस वन सिक्सटीन ओके सो आपकी वैल्यू आई सिक्सटीन पॉइंट फाइव अपॉन फाइव ओके सो दिस इज योर थ्री पॉइंट थ्री मीटर तो ये आपका एवरेज वैल्यू आया आपने जो रोड के डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट लिए हैं तो उस प्रोड की एवरेज वैल्यू या फिर इसको ही बोलते हैं आप एक्चुअल या ट्रू ट्रू वैल्यू वैल्यू ठीक है ये true value. जितने ज़्यादा मेजरमेंट आप लेंगे उतने ही क्लोज आप ट्रू वैल्यू के जाएंगे ठीक है अगर ट्रू वैल्यू नहीं दी तो उस कंडीशन में आप ट्रू वैल्यू इस वे में भी डिफाइन कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं क्लियर अब एरर्स का मतलब क्या होता है तो एरर का मतलब होता है आपकी ये जो ट्रू वैल्यू है ठीक है और यहां पर मेजर्ड वैल्यू इसमें डिफरेंस क्या हो रहा है थ्री पॉइंट वन माइनस थ्री पॉइंट थ्री इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है आपका जीरो पॉइंट टू और ये माइनस में ठीक है मींस जीरो पॉइंट टू कम वैल्यू है ठीक है ये जो है ये क्या है एरर आई नेगेटिव एरर एंड 3.2 के लिए 0.1 एरर आ जाएगी 3.3 के लिए यहां पर तो कोई डिफरेंस नहीं है जीरो यहां पर 3.4 एंड 3.3 है तो प्लस 3.4 पॉइंट माइनस पॉइंट थ्री तो आपका आंसर आया जीरो पॉइंट वन बट ये पॉजिटिव है ये क्या है पॉजिटिव वैल्यूज ओके एंड थ्री पॉइंट फाइव माइनस थ्री पॉइंट थ्री सो जीरो पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट टू ओके तो एरर्स पॉजिटिव भी हो सकती है एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकती है इससे आपको ये पता चला कि एरर पॉजिटिव भी हो सकती है एंड नेगेटिव भी हो सकती है सो बेसिकली एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ओके अब टू टर्म्स डिफाइन की गई है एक्यूरेसी एंड प्रिजिशन एक्यूरेसी का मतलब है कि आपके पास जो मेजर्ड वैल्यू हैं वो कितनी क्लोजेस्ट हैं ट्रू वैल्यू के ओके आपने अगर मेजर्ड वैल्यू ये डिफाइन किया है ओके इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर्ड वैल्यू ये लिया है एंड ये इस वैल्यू के ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है ये वैल्यू आपको तो नहीं पता है अगर तो आपने एवरेज ले लिया और ट्रू वैल्यू ये निकाल लिया ठीक है तो 3.3 के ये डिफरेंट डिफरेंट मेजर्ड वैल्यू कितना क्लोज है ओके okay, तो आपको दिख रहा है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो एक्यूरेसी का मतलब होता है कि ट्रू वैल्यू के क्लोजेस्ट वैल्यू मेजर्ड वैल्यू जो होती है वो ट्रू वैल्यू के क्लोज होती है ओके एंड प्रिजिशन का मतलब होता है कि जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे के क्लोज होना चाहिए इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि ये ट्रू वैल्यू के पास हो या ट्रू वैल्यू के क्लोज़ हो ओके okay. प्रजिशन का मतलब है कि वैल्यूज एक दूसरे से क्लोज होना चाहिए भले ही वो ट्रू वैल्यू के ज़्यादा दूर या हो या ट्रू वैल्यू से ज़्यादा उसका डिफरेंस हो ओके जैसे जो रोड है आपने ये लेंथ तो मेज़र कर लिया मेजरमेंट ओके okay. अगर आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू टू पॉइंट फाइव इस तरह से अगर मेजर करें इसी रॉड की लेंथ तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये देखिए एक दूसरे के सो क्लोज हैं ठीक है बट बट एक्चुअल वैल्यूज से इनका थोड़ा डिफरेंस है क्लोज नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि ये एक्चुअल वैल्यू के क्लोज़ हो बट ये वैल्यू खुद में प्रिसाइस है ठीक है क्योंकि ये एक दूसरे के पास पास है एक दूसरे से क्लोज हैं और प्रजिजन जो है प्रन वैल्यूज़ जो हैं वो डिफाइन करती है या डिपेंड होती है जो भी आप इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं उसके रिजोल्यूशन पे मीन्स अगर आपने एक स्केल लिया है क्या लिया है एक स्केल लिया है तो स्केल में आप मेज़रमेंट कैसे करते हैं मेजरिंग स्केल में आपका जो मेज़रमेंट है वो कैसे होता है सेंटीमीटर में होता है क्या होता है सेंटीमीटर में जैसे आपने स्केल लिया तो ये वाला जो पॉइंट है ये तो ज़ीरो होता है फिर इसमें डिवीज़न होते स्मॉल डिवीज़न ठीक है फाइव उसके बाद में फिर तो ये टेन तो ये हो गया आपका वन सेंटीमीटर ठीक है स्केल में सेंटीमीटर में होता है एंड फिर अगेन टू सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर तो इस तरह से डिवीजन के थ्रू आपके स्केल्स में ये सेंटीमीटर में चलता रहता है ओके okay. अब मुझे बताइए कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है इस पूरा स्केल से आप कौन सा स्मॉलेस्ट वैल्यू को काउंट कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं ओके सो जीरो के जो फर्स्ट डिवीजन है जीरो के पास जो आप फर्स्ट डिवीजन देख रहे हैं वो है जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर ठीक है और यही स्मॉलेस्ट डिवीजन है या स्मॉलेस्ट वैल्यू है इस स्केल की ठीक है इसी को बोलते हैं आप लेस काउंट या फिर रिजोल्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट क्लियर इसे जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं या वन मिलीमीटर mm भी बोल सकते हैं ठीक है थीके? तो प्रिसाइज वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है रिजोल्यूशन पे मीन्स आपके पॉइंट के बाद डेसीमल कितना है वन डिजिट है ठीक है डेसीमल पॉइंट के बाद डिजिट वन है तो वन डिजिट पॉइंट के बाद आपका वन डिजिट होना चाहिए अगर यहां पर सिर्फ टू थ्री फोर होगा तो वो प्रिसाइस वैल्यू नहीं होगी ठीक है इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के डिफरेंट डिफरेंट स्मॉलेस्ट वैल्यू होते हैं और इन्हीं स्मॉलेस्ट वैल्यू को आप लीस काउंट बोलते हैं आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे लेस काउंट की ओके यहाँ तक क्लियर है अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स की क्या होता है क्लासिफिकेशन या टाइप्स भी बोल सकते हैं सो सिंपली टू टाइप्स के क्लासिफिकेशन होते हैं एरर्स के सिस्टमेटिक एरर्स एंड रैंडम एरर्स सिस्टमेटिक एरर्स इंस्ट्रूमेंटल भी हो सकती है इम भी हो सकती है एंड पर्सनल भी हो सकती है इंस्ट्रूमेंटल मीन्स इंस्ट्रूमेंट में कोई भी डिफरेंस या कोई भी डैमेज के कारण जो एरर अराइज होती है दैट इज़ कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर परफेक्शनल एरर सो इम एरर का मतलब होता है कि आपने किसी इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली अगर यूज़ नहीं करते हैं ठीक है तो एरर अराइज होती है एंड दैट इज़ कॉल्ड इम्परफेक्शन एरर फॉर एग्जाम्पल आप थर्मामीटर लिया ठीक है आपने क्या किया थर्मामीटर के थ्रू आपने बॉडी का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है आपको ठीक है अगर आपको थर्मामीटर कैसे यूज़ करना है बॉडी पे वो पता नहीं है उसमें आप लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है तो क्या होगा कि थर्मामीटर है वो आपको सही वैल्यू सही रीडिंग नहीं दे पाएगा ओके okay, सो so इसी को बोलते हैं आप इम परफेक्शनल एरर पर्सनल एरर पर्सनल एरर मीन्स आपके कारण जो एरर एराइज हुआ है दैट इज कॉल्ड पर्सनल एरर ठीक है उसमें इंस्ट्रूमेंट की भी कोई गलती नहीं है आसपास के एटमोसफियर की भी कोई गलती नहीं है ठीक है आपका ध्यान कहीं और है आप रीडिंग कुछ और ले रहे हैं सो so, आपकी जो मिस्टेक है आपकी मिस्टेक के कारण जो एरर रिलीज हुई है दैट इज कॉल्ड पर्सनल एरर ओके नाउ रैंडम एरर्स रैंडम एरर्स क्या होते हैं सो एरर्स का बार बार फ्लक्चुएट होना ठीक है जैसे ये हमने मेजरमेंट लिया और हर एक मेजरमेंट में वैल्यूज़ डिफरेंट डिफरेंट आ रही है वैल्यूज़ फ्लक्चुएट हो रही है तो इसी को बोलते हैं रैंडम एरर और रैंडम एरर इंस्ट्रूमेंट के कारण भी हो सकता है इंस्ट्रूमेंट में कुछ मिस्टेक हो या कुछ इम्परफेक्शन हो उसके कारण भी हो सकता है या फिर अदर एटमोस्फियरिक प्रॉब्लम्स के कारण भी ये एरर अराइज हो सकती है ओके रैंडम एरर नाउ लीस्ट काउंट लीस्ट काउंट मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि अगर स्केल है तो स्केल का जो स्मॉलेस्ट मेजरिंग स्केल का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर इसी तरह से अगर आपको रिजोल्यूशन जीरो पॉइंट जीरो वन सेंटीमीटर चाहिए इस वे में या डेसिमल के टू डिजिट के बाद में वैल्यूज़ चाहिए तो आप वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करते हैं एंड रिजोल्यूशन आपको जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन सेंटीमीटर चाहिए तो आप स्क्रू गैज का यूज करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि स्मॉलेस्ट वैल्यू को डिफाइन करते हैं फाइंड आउट करते हैं ठीक है सो दिस इज योर लीज काउंट लीज काउंट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम वर्नियर कैलिपर्स के बारे में और स्क्रू गैज के बारे में पढ़ेंगे ओके क्लियर नाउ देन परसेंटेज एरर ओके सो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है सो बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट क्लियर है जैसे आपको एग्जाम्पल के थ्रू और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है ठीक है आपने किसी फिजिकल क्वांटिटी ए का मेजरमेंट लिया ठीक है ए के डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट लिए जैसे ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन ए एन मेजरमेंट ले ले लिया आपने किसी फिजिकल क्वांटिटी का अब इन क्वांटिटी के बेसिस पर एब्सोल्यूट एरर क्या होगा ओके सो एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एरर एंड द ट्रू वैल्यू अब बात आती है ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे इंडिविजुअल मेजरमेंट तो आपने फाइंड आउट कर लिया है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू किसी फिजिकल क्वांटिटी का बट यहाँ ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी सो ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जितने भी आपके पास मेजरमेंट्स हैं उन सभी को एड करना है उन सभी का एवरेज लेना है ठीक है क्या करना है सभी मेजरमेंट्स के एवरेज लेना है आपको तो यहाँ पर एवरेज क्या हो जाएगा एवरेज सभी को ऐड कर दिया आपने ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री अप टू ए एन एन डिवाइडेड बाई एन इससे आप एन भी कह सकते हैं या फिर ए भी कह सकते हैं ठीक है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी बुक में ए के ऊपर बार लगा होता है ठीक है एवरेज का जो साइन होता है बार तो वो भी चलेगा हम यहाँ ए एम ले लेते हैं एम मीन्स मीन ठीक है सो ए एम इज इक्वल्स टू एवरेज ए वन ए टू प्लस ए थ्री अप टू ए एन, तो ये जो एवरेज वैल्यू है दिस इज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू मीन्स ये आपका ट्रू वैल्यू है एम क्या हुआ ट्रू वैल्यू ट्रू वैल्यू अब ट्रू वैल्यू आ गई मेजर्ड वैल्यू आ गई सो इजीली यू कैन फाइंड आउट द एब्सोल्यूट एरर ओके सो एब्सोल्यूट एरर एब्सोल्यूट एरर क्या होगा एब्सोल्यूट एरर एब्सोल्यूट एरर एक्चुअली डिफरेंस होता है एब्सोल्यूट एरर क्या होता है डिफरेंस होता है तो so, डिफरेंस के लिए हम डेल यूज करते हैं डेल ए वन ठीक है फर्स्ट मेजरमेंट लिया और फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर के लिए डेल ए वन ले लिया ठीक है इट इज द मेजरमेंट वैल्यू क्या है फर्स्ट के लिए ए वन एंड एवरेज वैल्यू हो जाएगी एम ओके सिमिलरली फॉर ए टू ए टू माइनस ए एम ओके अब टू ए एन ए एन माइनस एम एवरेज वैल्यू ओके नाउ एरर्स का एवरेज लेना है आपको ठीक तो है एवरेज एब्सल्यूट एरर तो एवरेज ले लीजिए एवरेज के लिए वही साइन आप यूज कर रहे हैं ए एम ठीक है बट इट इज द मैग्नीट्यूड सो यू कैन यूज मोड ओके बिकॉज आप मैग्नीट्यूड ले रहे हैं और मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव वैल्यूज़ लेना है एब्सोल्यूट एरर्स पॉजिटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है एंड नेगेटिव भी हो सकती है ठीक है पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी हो सकती है सो वी कैन टेक पॉजिटिव एवरेज के लिए एवरेज एब्सोल्यूट एरर के लिए आपको क्या लेना है पॉजिटिव टर्म ओके सो वी कैन यूज़ मोट सो डेल ए वन प्लस डेल ए टू अप टू प्लस डेल ए एन ओके एंड डिवाइडेड बाय एन तो ये आया आपके पास एवरेज एब्सोल्यूट एरर क्लियर नाउ फाइनल वैल्यू ओके मीन सभी मेजरमेंट को अगर आप सिंगल वैल्यू में डिफाइन करें तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो किस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है आपके पास अगर फाइनल वैल्यू ए है तो ए को आप एरर में ठीक है एरर ऐड करके किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे सो ए इज इक्वल्स टू ए मीन ए एवरेज जो ट्रू वैल्यू आपने वो लिया एंड प्लस माइनस डेल एम बिकॉज जो एब्सोल्यूट एरर है वो पॉजिटिव भी हो सकती है एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकती है इसीलिए हमने प्लस माइनस का साइन यूज़ किया है तो फाइनल इक्वेशन आपका ये होगा ठीक है इसका मतलब क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट आपने मेजरमेंट लिए और उन सभी मेजरमेंट का एक पर्टिकुलर सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करके जो इक्वेशन दी जाती है वो इस तरह से ए इज टू ए एम प्लस माइनस डेल ए एम उसके एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे चीजें नाउ रिलेटिव एरर ओके रिलेटिव एरर क्या होगा सो बेसिकली रिलेटिव एरर इज द रेशियो रेशियो ऑफ एवरेज एब्सोल्यूट एरर टू द एवरेज एरर ठीक है मीन्स डेल ए एम डिवाइडेड बाई ए एम ओके एंड परसेंटेज एरर परसेंटेज एरर क्या होगा परसेंटेज एरर सो परसेंटेज एरर में रिलेटिव एरर या इसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर रिलेटिव एरर को फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं ओके फ्रैक्शनल एरर बस फ्रैक्शनल एरर की जो वैल्यूज है आपको वही लेनी है बट मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड कर देना है तो परसेंटेज एरर आपके फाइंड आउट हो जाएगी क्लियर अब इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं इसके जो डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ओके okay. एक सिंपल सा एग्जाम जो कि आपको एब्सोल्यूट एरर रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर को समझने में हेल्प करेगा क्लियर देखिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस है हमने लास्ट में जो थ्री मीटर का रॉड का लेंथ लिया था वही हम लेते हैं ठीक है तो आपके पास जो मेजरमेंट है वो है ए वन थ्री पॉइंट वन मीटर ए टू थ्री पॉइंट टू मीटर हम थ्री वैल्यूज़ ही कंसिडर करते हैं ए थ्री थ्री पॉइंट थ्री मीटर ओके अब इनका एवरेज लेना है क्या लेना है आपको एवरेज ये क्या है आपका एग्जांपल है एवरेज लो सो एवरेज ए वी लिख लो या फिर ए एम लिख लो एवरेज क्या होगा तीनों का सम कर दो एंड डिवाइडेड बाय थ्री कर दो थ्री एंड थ्री पॉइंट थ्री डिवाइडेड बाय थ्री सो ये हो जाएगा आपका नाइन पॉइंट सिक्स ओके डिवाइडेड बाय थ्री थ्री पॉइंट टू मीटर ये आपका एवरेज आया या फिर मीन वैल्यू आई ठीक है अब मीन वैल्यू में से आपको इंडिविजुअल वैल्यूज क्या करना है डिफरेंस लेना है तभी एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट हो सकती है सो एब्सोल्यूट एरर के लिए एब्सल्यूट एरर के लिए आपको क्या करना है डेल ए वन एब्सोल्यूट एरर ए वन माइनस ए एम ठीक है सो ए वन क्या है थ्री पॉइंट वन माइनस थ्री पॉइंट टू हुआ सो so, ये हुआ ज़ीरो पॉइंट वन बट माइनस में ओके ए टू ए टू क्या होगा ए टू हुआ थ्री पॉइंट टू थ्री पॉइंट टू माइनस थ्री पॉइंट टू सो ये तो जीरो चेंज नहीं है डिफरेंस नहीं है कुछ भी ए थ्री सो ए थ्री ए थ्री माइनस ए एम सो थ्री पॉइंट थ्री माइनस थ्री पॉइंट टू सिक्वल्स टू जीरो पॉइंट वन मीटर क्लियर नौ एवरेज ले लें एप्सोल्यूट एवरेज एब्सोल्यूट एरर का एवरेज ले लें सो एवरेज लेंगे तो डेल ए एम इज इक्वल्स टू तीनों को सम कर दें तीनों का मैग्नीट्यूड है लेना है ज़ीरो पॉइंट वन प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो पॉइंट वन डिवाइडेड बाई थ्री ओके ये याद रखना कि अगर आपके पास सेकेंड वैल्यू ज़ीरो है तो आपको डिवाइडेड बाई टू नहीं करना है थ्री क्वांटिटीज़ है तो थ्री का डिवाइड करना है ठीक है जितनी क्वांटिटीज़ हैं आपके पास सो तो ये हुआ ज़ीरो पॉइंट टू बाई थ्री ठीक है मीटर तो ये अप्रोक्स होगा जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स ठीक है मीटर या फिर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं जीरो पॉइंट वन मीटर ओके अप्रोक्स ले तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में हम स्टडी करेंगे अगर फाइव से ज़्यादा टर्म हो तो आप पहले वाली डिजिट को प्लस वन कर सकते हैं ओके ये आपका क्या है एवरेज एब्सोल्यूट एरर ओके सो फाइनल आपकी रीडिंग क्या हो जाएगी फाइनल जो रिप्रेजेंटेशन है एरर विथ एरर क्या होगा ए इज इक्वल्स टू ए एम ए एम प्लस माइनस डेल ए एम सो थ्री पॉइंट टू मीटर प्लस माइनस जीरो पॉइंट वन मीटर ठीक है ये आपका फाइनल रिप्रेजेंटेशन है ओके okay. नाउ फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर क्या रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर क्या होगा सो फ्रैक्शनल एरर के लिए आप जीरो पॉइंट वन डिवाइडेड बाय थ्री पॉइंट टू कर दीजिए ठीक है पॉइंट से पॉइंट रिमूव तो ये अप्रोक्स आपको वैल्यू देगा जीरो पॉइंट जीरो थ्री अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी आपकी ओके सो दिस इज योर फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर के लिए क्या करना है मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड ठीक है इसी फ्रैक्शनल एरर में हंड्रेड का मल्टीप्लीकेशन कर देना है तो आपका क्या हो जाएगा फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर आ जाएगा सो थ्री परसेंट क्लियर तो ये सिंपल सा एग्जांपल लेके हमने एब्सोल्यूट एरर रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर को समझा और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स ओके मीन्स अगर आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज टू हैं या मोर देन टू हैं तो आप उन क्वांटिटीज में विथ एरर विथ एरर फाइनल एरर कैसे डिफाइन करेंगे वही चीज़ें हम देखते हैं ठीक है इसमें डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे सम करना है फिजिकल क्वांटिटीज का डिफरेंस करना है ठीक है प्रोडक्ट करना है या फिर डिवाइड करना है तो उस केस में फाइनल एरर फाइनल एरर क्या होगी किन टर्म्स में दी जाएगी वो सभी चीज़ें हम देखते हैं ठीक है सो एरर्स ऑफ अ सम और डिफरेंस पहले हम सम की बात करते हैं ठीक है तो आपके पास क्या है टू फिजिकल क्वांटिटीज हैं ए एंड बी तो हमने इसके लास्ट वीडियो में फिजिकल क्वांटिटीज ओनली वन लिया था और उसमें जो एरर आई थी ठीक है एब्सोल्यूट एरर के टर्म में उसे कैसे डिफाइन किया था उसे हमने ऐसे डिफाइन किया था ए प्लस माइनस डेल ए ठीक है जो हमने एवरेज लिया था एवरेज का मतलब ही है ट्रू वैल्यू ठीक है ट्रू वैल्यू का जो रिप्रेजेंटेशन है आपके पास एक्चुअल वैल्यू का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा ए प्लस माइनस डेल ए क्लियर सो सेकेंड वैल्यू के लिए भी यही अप्लाई होगा बी प्लस माइनस डेल बी ठीक अब इन दोनों को आपको ऐड करना है ठीक है ऐड करने के बाद जो न्यू क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हुई है न्यू फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हुई है उसे हमने z कंसीडर कर लिया उसे हमने क्या कंसीडर कर लिया z ठीक है अब न्यू क्वांटिटी में भी जो एरर होगी वो इसी तरह से रिप्रेजेंट होगी ठीक है मीन्स z प्लस माइनस डेल जेड Clear? अब आपको क्या करना है ये जो वैल्यू है मींस टोटल एरर है वो डिफाइन करना है डेल जेड की वैल्यू को डिफाइन करना है आपका एम है ठीक है तो क्या करते हैं हम जेड आपके पास होता है ए प्लस बी ठीक है और इस एरर के टर्म में क्या डिफाइन करेंगे आप कैसे डिफाइन करेंगे जेड की वैल्यू क्या है जेड प्लस माइनस डेल सेट और ए के लिए ए प्लस माइनस डेल ए एंड फॉर बी प्लस माइनस डेल बी क्लियर अब इसे क्या करें आप थोड़ा सेपरेट कर लिए जैसे ए प्लस बी है सो ए प्लस बी सेपरेट कर लें प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी अब देखिए ये जो टर्म है ए प्लस बी ये है जेड तो इसके प्लेस पे आप जेड पुट कर सकते हैं ठीक है z तो yes, z पुट कर दिया आपने एंड डेल a प्लस माइनस डेल b सो so, z से कैंसल आउट हो जाएगा नाउ द फाइनल वैल्यू डेल z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b ओके अब इस टर्म को आपको जो आपकी एरर है उसमें आप मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कब फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है मतलब मैक्सिमम एरर कब हो गया आपका जो इंटेंशन है वो फाइंड आउट करना है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है जब हम टू फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करें सो मैक्सिमम एरर के लिए इस इक्वेशन को आप इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं अगर आपने एक भी टर्म नेगेटिव लिया तो वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी नहीं होगी ठीक है अगर आप माइनस डेल ए लेते हैं प्लस डेल बी लेते हैं या फिर प्लस डेल ए लेते हैं माइनस डेल बी लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगी ठीक है आप कंडीशन मैक्सिमम चाहिए वैल्यूज़ को सो मैक्सिमम कब मिलेगा जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये आपका फाइनल इक्वेशन रहेगा जब टू फिजिकल क्वांटिटीज एड हो देन फाइनल एरर ठीक है टोटल एरर क्या होगी आपको इंडिविजुअल एरर्स को ऐड करना रहेगा ठीक है द फाइनल एरर इज द सम ऑफ इंडिविजुअल एरर्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज क्लियर नाउ डिफरेंस अब डिफरेंस में भी सिमिलरली यही कंडीशन होगा यही स्टेप्स को फॉलो करना है ए माइनस बी के प्लेस पे जेड हो जाएगा जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा एंड मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपकी दोनों को ऐड करना है सो डेल जेड इज इक्वल्स टू डेल ए प्लस माइनस सॉरी ओनली प्लस प्लस डेल बी ठीक है तो डिफरेंस में भी आपको प्लस ही करना है डिफरेंस में भी आपको एरर्स को प्लस ही करना है फाइनल एरर फाइंड आउट करने के लिए इंडिविजुअल एरर्स को आपको प्लस करना है तभी आपकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मिलेगी ओके एक्चुअल वैल्यू को तो माइनस करना है ए माइनस बी करना है बट जो एरर्स हैं एरर्स हैं इंडिविजुअल क्वांटिटीज की उन्हें ऐड करना है इन द डिफरेंस नाउ प्रोडक्ट प्रोडक्ट में क्या करेंगे सो so, वही आपके पास टू फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं क्या है ए एंड बी और ए के लिए आप ए प्लस डेल ए लेते हैं एंड बी के लिए आप बी प्लस डेल बी लिया आपने ओके okay, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया और मल्टीप्लीकेशन से न्यू क्वान्टिटी आपकी मिली जिड ओके okay, इसके लिए भी आपको z प्लस डेल जिड करना है अब प्रोसेस वही है आपका प्रोसेस वही है क्या करना है z इज इक्वल्स टू ए इंटू बी ओके इनके प्लेस पे जो विथ एरर साइन है वो लिख लो z प्लस डेल z एंड ए प्लस सॉरी प्लस माइनस होगा यहाँ सभी जगह प्लस माइनस डेल ए एंड b प्लस माइनस डेल b ओके ब्रैकेट ओपन करेंगे सो ए बी ए इंटू बी प्लस माइनस डेल b इंटू ए प्लस माइनस b इंटू डेल a एंड प्लस माइनस डेल a इंटू डेल b क्लियर अब ये जो ए बी है ये क्या होगा जेड सो ए बी के प्लेस पे हम जेड पुट कर देंगे एंड प्लस माइनस ए डेल बी प्लस माइनस बी डेल ए प्लस माइनस डेल ए एंड डेल बी ओके सो ये कैंसल आउट हो गया ओके नाउ देखिए ये जो टर्म है आपका डेल ए एंड डेल बी ये एक्चुअली काफ़ी स्मॉल टर्म है तो इसे हम नेगलेक्ट कर देते हैं तो आपके पास फाइनल इक्वेशन आया प्लस माइनस डेल जिड इक्वल्स टू प्लस माइनस ए डेल बी प्लस माइनस बी इंटू डेल ए ओके अब इस टर्म को आपको जेड से डिवाइड करना है तो यहाँ पर जेड से डिवाइड करेंगे एंड यहाँ ए बी के टर्म में है सो so, जेड के प्लेस पे ए बी भी पुट कर सकते हैं सो ए बी एंड ए बी हमने एल एच एस एंड आर एच एस में जेड से डिवाइड कर दिया ओके okay. सो so, आपके पास फाइनल इक्वेशन डेल z अपॉन जेड यहाँ पर ए से ए कैंसिल हुआ बी से बी कैंसिल आउट हुआ सो प्लस माइनस डेल ए बाई ए एंड प्लस माइनस डेल बी बाई बी सो यू हैव गेट द फाइनल इक्वेशन फॉर द प्रोडक्ट डेल जिट बाई जिड एंड डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी ओके ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है एर प्रोडक्ट के ठीक है नाउ डिवीजन सो डिवीजन में क्या होगा डिवीजन में सिंपली यही होगा प्रोसेस यही होगा बट बाय द रूल्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन यहां पर भी सेम रिजल्ट आएगा आपके पास डेल जेड बाई जिड इज टू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी ओके मीन्स डिविजन में भी आपको यही रूल अप्लाई करना है जेड इज इक्वल टू ए बाई बी हो तो उसके लिए एरर के लिए यही अप्लाई करना है रूल ओके एक और टर्म है एक्सपोनेंशियल अगर एक्सपोनेंशियल में टर्म हो तो कैसे आप एरर फाइंड करेंगे मीन्स एक टर्म है ए की पावर एन ठीक है ए की पावर एन हो तो उस कंडीशन में आप एरर फाइंड आउट कैसे करेंगे सो पावर जो है वो प्रोडक्ट में आ जाएगी आगे आ जाएगी मीन्स डेल जिड बाई जिड जीक्वल्स टू एन डेल ए बाई ए हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से आप एक्सपोनेंशियल टर्म में भी एरर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं सो so, आज के लिए इतना ही काफ़ी है अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे ठीक है टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू सो मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच